जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीज और मेरे दोस्त जी डॉक्टर साहब, आज हमारी जो मूवी पे रिएक्शन है ना, इसके ट्रेलर ने आते सारी अन्नी बात थी। अच्छा। हाँ, अन्नी बात छड़ी है। इसका नाम है उलझ, ऑफिशियल ट्रेलर है। इसके अंदर है जानवी कपूर, गुलशन डी है, रोशन एम है और सुधांशु सारिया है, और ये 2 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो चलो स्टार्ट करें फिर। 3, 2, 1 स्टार्ट। Sir, we have a situation. There could be a leak. इससे पहले कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर। इस इंटेल का सोर्स क्या है? ऐसा हमें बात घूम रही थी। सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म का काफी हाथ है। Who's this girl? सरनेम के अलावा इसके पास है क्या? आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती? IFS जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी उम्र में ऐसा पोस्ट मिलना इज अनयूजुअल। चल पेपर दे। क्या सोचा तुमने, बच जाओगे? यार मुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते। आई गेट पेड। लंदन की एम्बेसी में खबरी है, जब तक मेरी ऑफिशियल क्लियरेंस न मिले एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। बैकग्राउंड चेक्स कैसे करते हैं? जो डाटा दे देना मैं करा के दूंगा। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे मुल्कों के बीच का भरोसा कमजोर हो जाए। हमारे 2 रॉ अंडरकवर एजेंट्स की जान खतरे में है। I don't know how, but पूरे शिप में इसके पीछे इसी का हाथ है। What the hell is going on in London? सुहाना 24 घंटों से गायब है। तेरे फोटो से उन्हें जो प्रूफ चाहिए था ना, वो उन्हें मिल गया। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालने वाली। सिवाय खुद के। Shut up! सुहाना भाटिया, bloody spy, एक देशद्रोही, गद्दार। Always showing your innocent face. You think it'll work with me? मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, वो सब छीन लिया है, सब। मुझे बस किसी बलि की बकरी की तरह फंसाया। और तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। डॉक्टर साहब, ये बकरी तो बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी। बकरी बड़ी तेज है। हाँ जी, और वो कह रही है कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा शहर खा जाऊंगा। मतलब शहर में फिर घास फूस ही समझती है। और इसमें 2 चीजें दिखाई गई हैं। हाँ जी, एक तो हमारे खान साहब का जलसा दिखाया गया, आईएसआई इन्वॉल्व है। तो यार ये ना मुझे जब तक इसकी समझ आई है, इसमें यह है की ये लड़की को ना डिग्रेड करने के लिए, एक अच्छी लेवल पे ये चली गई थी और सुहाना इसका नाम था। सुहाना इन्होंने मुझे लग रहा है जहां तक दिखाया है मुस्लिम फैमिलीज दिखाई, तो उसे नीचे दिखाने के लिए या नीचे गिराने के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने ये सारी गेम की है। और बकरी ने कहा है एंड पे मैं पूरे का पूरा शेर खा जाऊंगी। तो लाजमी देखिएगा, 2 अगस्त को ये रिलीज हो रही है और पाकिस्तान की भी इसमें थोड़ी सी एंट्री दिखाई गई है। यस, उसी ने तो पैसे पूरे किए। खान साहब का जलसा है और इंडिया हमेशा आईएसआई के खिलाफ ही होता है। बिल्कुल 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 यार, आप लोग इतने खिलाफ ना हो क्योंकि हम लोग नहीं खिलाफ। इसके साथ ही अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह।